सिवान में निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने काफिले पर AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस घटना में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 1 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। तो खबर सिवान से है, जहां पर एमएलसी उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर एक जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने यहां पर AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाई है। इस घटना में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 1 की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। बता दें कि बीते दिन ही बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव हुआ था, और इसे लेकर के ही हमलावरों ने इनके काफिले पर गोलियां चलाई है। मेरी गाड़ी तो रफ्तार थी, तेज थी, निकल गए जी। मेरे पिछले वाली गाड़ी, 2-3 गाड़ी में लगी है गोली जी, और हमारे भाई को गोली भी लगा है, हमारे ड्राइवर को भी लगा है। उसके पीछे हमारे गांव का कोई लड़का जा रहा था, हमारे गाड़ी के पीछे ही था, तो उसको भी सुनने में उसको भी गला डेट कर गया है जी जी। तो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, क्या कुछ है ताजा अपडेट, क्योंकि बीते दिन हमने देखा कि निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें 1 की मौत हो गई है। जी खुशबू, बता दे कि ये मामला कल देर रात 11 बजे की है, जब निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान अपने चुनावी कार्यालय से अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान ये हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअर गांव के समीप अज्ञात अपराधियों ने घात लगाकर इन पे हमला कर दिया, जिसमें 1 युवक की मौत हो गई। वहीं अभी जो ताजा अपडेट आ रहा है, इसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं जी। इस मामले पर किसी बड़े अधिकारी का कोई बयान सामने आया है क्या? जी देखें तो पूरी घटनाक्रम पे अभी पुलिस पूरी तरह से चुप है और कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि इस पूरे मामले में एसपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस मामले की गहन जांच हो रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सिवान में निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर बीते रात 11 बजे जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं अब ताजा अपडेट के मुताबिक 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।